उत्तराखंड के हरिद्वार का रहने वाला एक युवक अपने परिवार से नाराज होकर मुरादाबाद पहुंच गया, जहां चाइल्डलाइन विभाग को इसकी सूचना मिली। मौके पर पहुंचकर युवक को समझाया गया और मेडिकल कराने के बाद उसके घर तक पहुंचाने के लिए प्रयास किया। जीआरपी को एक युवक स्टेशन पर घूमता हुआ दिखाई दिया। ऐसे में जीआरपी ने जब उससे पूछताछ की तो पता लगा कि युवक हरिद्वार का रहने वाला है और अपने परिवार से झगड़ा कर यहां पहुंचा है। ऐसे में जीआरपी ने चाइल्डलाइन को बुलाया, जहां चाइल्डलाइन के सदस्यों ने युवक का मेडिकल कराकर उसे समझाया, जहां उसे अब परिवार के पास भेजने की तैयारी की जा रही है। युवक ने ये जानकारी दी कि उसका नाम कृष्णा है और वह हरिद्वार का रहने वाला है। अपने परिवार से झगड़कर वह मुरादाबाद स्टेशन पहुंचा था। चाइल्डलाइन विभाग से अस्मिता सक्सेना ने ये जानकारी दी कि आज ये युवक स्टेशन से पकड़ा गया है और इसको घर तक पहुंचाने के लिए प्रयास किए जाएंगे। हरिद्वार क्यों आए थे मुरादाबाद? नाराज हो गया था। किससे नाराज हो गए थे? अपने भैया से। क्या करते हैं भैया, कहाँ रहते हो? हरिद्वार में। हरिद्वार में कहाँ रहते हो? ब्रह्मपुरी। ब्रह्मपुरी में क्यों नाराज हो गए थे भैया से? लड़ाई हो गई थी तो मुरादाबाद स्टेशन पर आ गए। मुरादाबाद में आ गए, कहाँ जा रहे थे? हरिद्वार से। कहाँ जा रहे थे आप? हरिद्वार से कहीं भी नहीं, ऐसे बैठ जाता है। ट्रेन पर बैठ गए? चलती हुई नहीं, और प्लेटफॉर्म पर स्टेशन के पास ही घर है हमारा। आपको किसने उतारा यहाँ पे मुरादाबाद में? अपने आप ही उतरे। अपने आप ही उतरे। यहाँ किससे मदद मांगी फिर आपने? यहाँ इन सर ने पकड़ा था मेरे को, मैं अकेला घूम रहा था स्टेशन पे। आप कहाँ जाओगे? हरिद्वार। सर ऐसा है कि हम मुरादाबाद रेलवे चाइल्डलाइन से हैं, मैं टीम मेंबर अस्मिता सक्सेना बात कर रही हूँ आपसे। ये जो खोए हुए बच्चे होते हैं 0 से 18 साल के लिए, उन बच्चों को हम पकड़ते हैं और उनके घर पहुँचाते हैं। तो ये जो था अपने घर से नाराज होकर आ गया था, शायद इसके कहने के मुताबिक ये था कि अपने भाई के साथ मुरादाबाद में किसी के आया था और हरिद्वार जा रहा था, लेकिन इसके भाई को नहीं पकड़ा, इसे पकड़ लिया है। अब इसके घर वालों से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे मिलता है हम इसके घर से पहुँचा देंगे। तो मैम ये जीआरपी को मिला था, किसको मिला था? सर जीआरपी को मिलता है, जीआरपी के थ्रू हमें मिलता है, रेलवे चाइल्ड लाइन को, फिर हम इनके बच्चों के घर पहुंचाते हैं।